أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. من شرور ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله वक़ुल्ला कोला फिन्ना शर सुन्ना इमाम बरबहारी रिमहुल्ला की तारीफ़ है उनकी मेहनत है उनकी तैयार करदा ये किताब है और इसमें बहुत से अक़ायद का तस्करा हुआ है बाद में आने वालों ने हमारी सहूलत के लिए इस किताब को कई एक हिस्सों में तकसीम कर दिया है नंबर लगा दिए हैं इसके अलावा कोई तब्दीली नहीं की लेकिन नंबर लगाए हैं तो इस लिहाज से आज हम पचीसवा मसला शुरू करेंगे वल ईमान बिनज़ूल ईसा बिन मरियम आलाम और ईसा बिन मरियम आसलाम के नज़ूल पे भी ईमान लाना होगा यानी कि अहल सुनत वजमात के अक़ायद में से एक अकीदा ये है कि जनाब ईसी जो कि सईद मरियम अल्लाम के साहबज़ादे हैं उनके बेटे हैं नबी और रसूल हैं उनके नज़ूल पर उनके आसमानों से उतरने पर ईमान लाना होगा यंजिल वो उतरेंगे फ़तलद जाल तो दज्जाल को क़त्ल करेंगे व तजवज और शादी करेंगे व युसली खल फल आल मोहम्मद और नमाज अदा करेंगे उस आदमी के पीछे जो आल मोहम्मद में से कायम होगा यानी कि जिम्मेदार होगा निज़ाम शुमाले हुए होगा व यमू तो और फोत हो जाएंगे व यदफनहू अलमुसलिमून और उन्हें मुसलमान दफन करेंगे तो ये है पच्चीसवा मसला आपने देख लिया कि इसमें जनाब ईसा आलतम तो तो के नज़ूल का तस्करा है कि वो आसमानों से उतरेंगे क्यामत से पहले पहले इसके कि हम इस अकीदे की तफसीत में दाखिल हों मैं यहाँ पर तस्करा करना चाहूँगा मौलाना अमीन आसन असलाही का जिनका पहले भी मैं तस्करा करता रहता हूँ और ये भी वादे करता रहता हूँ कि वो मौजूदा ज़माने के जवेद अम गदी उनके मौलाना अमीन आसन असलाही उस्ताद हैं तो जवेद अम गदी अगर कुछ अहदीस का इनकार करते हैं तो उन्होंने ये नज़रिया मौलाना अमीन आसन असलाही से लिया है तो मौलाना अमीन सलाही उनकी एक तो तफसीर है और एक उन्होंने सही बुखारी की शरह लिखी है और सही बुखारी की शरह में जब उनको मौका मिला उन्होंने अहादीस के ऊपर तनकीद की अदीस पे इतराज़ किए अदीस पे इनकार किया और कई एक अदीस को नहीं माना ये अकीदा कि ईसी अली असलात साम की से पहले आसमानों से ज़मीन पर तशीफ लाएंगे नाजिल होंगे उतरे होंगे उतरेंगे इसको भी वो मानने से इनकारी हैं एक मकाम पर इनके बुखारी शिफ़ की शरह में वो ये कहते हैं कि ये अकीदा रखना कि ईसी अली स्म नाजल होंगे ये अकीदा हमारे यहां ईसाइयों की तरफ से आया है एक जगह कहा यहूदियों की तरफ से आया है और एक जगह कहते हैं ईसाइयों की तरफ से आया है कैसे कहते हैं कि ईसा अली इस्लाम ने एक आसमानी बादशाह कायम करना थी वो नहीं कर सके तो फिर ये नजरिया अपना लिया गया कि वो क्यामत से पहले आएंगे और आसमानी बादशाह कायम करेंगे मौलाना अमीन आसन सराही कहते हैं कि वो आसमानी बादशाह जिसकी बिशारत दी गई थी उसे अबू बकर सदीक रदी अल्लाह और उम्र फारूक रदी अपने जमाने में कैम कर चुके हैं इसलिए इस, इस रवायत को वो गलत मानते हैं यहां पर दो चीजें हैं एक तो इस रवायत को गलत मानते हैं और एक वो ये कहना चाहते हैं कि मुसलमानों में ये रवायत ईसाइयों की तरफ से आई है और कभी वो ये कहते हैं कि हमारा दीन मुकम्मल हो चुका इसलिए हमारे यहां मसीह सलाम के आने की कोई वजह समझ में नहीं आती क्योंकि दीन तो मुकम्मल हो चुका है बुखारी शिफ की शराह में ही एक और मकाम पे वो लिखते हैं इस मसले पे गुफ्तू करते हुए कि आखिर में आला सबील तनजुल ये कहता हूँ यानी कि मैं फ़र्ज कर लेता हूँ दो मिनट के लिए मान लेता हूँ कि मसीह अली असलाम आएंगे कहते हैं आखिर में अला सबील तन्जुल ये कहता हूँ कि ये बात कि हज़रत मसीह आएंगे ये अकीदे का हिस्सा नहीं बन सकती ये बात अकीदे का हिस्सा नहीं, नहीं बन सकती कहते हैं अकैद का ताल्लुक अखबार अहाद से नहीं है अकैद का कोई ताल्लुक अखबार अहाज से नहीं है अखबार अहाद भी वो जिसके रावी इबन शहाब हों कहना चाहते हैं कि ये अहादीस अगरचे बुहारी मुस्लिम में आई हैं लेकिन ये मुतवा नहीं है क्या नहीं है मुतवा मुतवातर नहीं।, नहीं।, नहीं है इनकी तादाद कम है इनको रवैत करने वाले साहब कलाम ताबीन तब ताबीन थोड़े लोग हैं तो ऐसी अदीस से अकीदा साबित नहीं हो सकता और ये बात करते करते हदीस के अजीम रावी अजीम मुहदस और अजीम मौरिक इमाम इबनि शाब ज़ोहरी को भी रगड़ा लगा गए हैं कहते हैं मजीद कौन मौलाना अमीन सलाही कहते अकीदा के लिए लाजम है कि वो कुरान से साबित हो फिर कहते हैं अगर को मानना चाहे तो माने मेरा इस पर अकीदा नहीं है क्योंकि मैं इसको नहीं मानता साफ साफ इनकार कर दिया मौलाना अमीन आसन इसराही इस मामले में मिर्जा गुलाम अमन कादियानी के साथ हैं मिर्जा गुलाम अमन कादियानी का भी यही नजरिया था कादियानियों का भी यही अकीदा है क्या कि ईसा अली इस्लाम फौत हो चुके हैं वो जिंदा नहीं है अच्छा मिर्जा गुलाम अमन कादियानी ने यह अकीदा क्यों अपनाया क्योंकि उसका दावा यह था कि मैं मसीह मऊद भी हूं मैं क्या हूं मसीह मऊद मसीह मऊद यानी कि मैं वो मसीह हूं जिसके बारे में अदीस में आया है कि क्यामत से पहले मसीह आएंगे मैं वही मसीह मऊद हूं वो मैं ही हूं जिन, जिसका तस्करा हादीश में आता है तो मिर्जा साहब ने क्या किया ये साबित करने के लिए कि मैं मसीह मौद हूं ईसा सलाम के फौत होने का कीदा गड़ा, तो क्योंकि उनको फौत करेंगे तो फिर उन अहादीस को अपने ऊपर फिट कर सकेंगे तो उन्होंने ये नजरिया पेश किया कि ईसा अलीलाम फौत हो चुके हैं अब वो अहादीस में आया है कि क्यामत से पहले मसीह आएंगे उनसे मुराद कौन है मैं हूं ये कौन कह रहे हैं मिर्जा गुलाम, गुलाम कादयानी हमारे उर्दू दान तबके के साथ साथ अरबों में मिस्र वगैरह की जानब ऐसे मुमकिन आदिश पाए जाते हैं जिन्होंने इस अकीदे का इनकार किया है बल्कि मौलाना अब्दूहू आपने उनका नाम सुना होगा जिनके शगिर्दों में सैयद रशीदाह हैं ये भी लिखते हैं दज्जाल के बारे में ईसा इस्लाम के बारे में कि ये मजादी चीजें हैं कहते हैं दज्जाल से मुराद क्या है कि एक वक्त आएगा शर आम हो जाएगा फितने आम हो जाएंगे इस चीज को क्या कहा गया दज्जाल मैंने पहले आपको उनके बारे में बता दिया जो इस अकीदे के इनकारी हैं क्यों ताकि अब आप लोग ध्यान से वो आयात सुने और वो अहादीस सुने जिन आयात और अहादीस से अकीदा साबित होता है पहले नंबर पे अल्लाह इज़्ज़त का फरमान सूरह निसा आयत नंबर एक सौ उनसठ वन फिफ्टी नाइन व इमिन किताब इलाबी कबल मोती व योमयामत यकून आलिम शहीद अल्लाह तला फरमा रहे हैं हर यहूदी और ईसाई उस पे ईमान ले आएंगे उसके फौत होने से पहले सारे यहूदी सारे ईसाई ईमान ले आएंगे उस पे ईमान ले आएंगे उसके फौत होने से पहले किस पे ईमान ले आएंगे किसके फौत होने से पहले इस बारे में जो राजे कौल है वो ये है जो वादे कौल है वो ये है कि इससे मुराद ईसाई इस्लाम है कि तमाम यहूदी तमाम ईसाई ईसा अली इस्लाम पे ईमान ले आएंगे ईसा अली इस्लाम के फौत होने से पहले इसका मतलब यह है कि अब ईसा इस्लाम क्या है जिंदा अब क्या है लेकिन उनके फौत होने से पहले पहले तमाम यहूदी तमाम ईसाई उन पर ईमान ले आएंगे क्या मतलब मतलब यह हुआ कि ईसा अली इस्लाम आसमान दुनिया पे जिंदा है आमद से पहले पहले जमीन पे नाजल होंगे और जिहाद करेंगे यहूदियों और ईसाइयों से लड़ाइया लड़ेंगे कई यहूदी और ईसाई मर जाएंगे और कई मुसलमान हो जाएंगे तो उनके फौत होने से पहले पहले जमीन पर जितने यहूदी ईसाई जिंदा होंगे सब उन पर ईमान ले आएंगे उनके नबी होने पर और इस बात पर कि इनको जिंदा आसमानों पर उठाया गया था और इस बात पर जमीन पर नाजल किया गया उतारा गया है और ये अब एक नेक इंसान है तो फिर इस एर की तफसीर से क्या पता चला कि ये अकीदा कि ईसा अलीसम जिंदा हैं और अभी तक फौत नहीं हुए ये तो कुरान ने भी जिक्र किया है जनाब अब्दुल्ला इबिन अब्बास मा इस ऐप की तफसर में फरमाते हैं ला यी हर यहूदी फोत होने से पहले ईसा इस्लाम पे ईमान ले आता है उनकी यह तफसीर इमाम तबरी और इमाम इब्ने हातम ने जिक्र की है और यह तफसीर इस ऐप में मौजूद दूसरे कौल की तरफ इशारा कर रही है दूसरा कौल इस ऐप की तफसीर में क्या कहा गया है कि कोई भी यहूदी इनके आज भी जब अल्लाह के रसूल ने कहा उस वक्त भी उसके बाद भी और आज भी और क्या तक हर यहूदी और हर ईसाई फौत होने से पहले पहले किसके फौत होने से पहले पहले अपने फौत होने से पहले पहले ईसा इस्लाम पे ईमान ले आता है ये तफसीर हो गई किसके मुताबक फिरौन के बारे में आपने पढ़ा होगा कुरान में फ्रौन ने फौत होने से पहले क्या कहा था कि मैं उस रब पे ईमान लाया जिस रब पे ईसा जिस रब पे मूसा ईमान लाए हैं तो नबी इस्लाम बता तो ये ऐद बता रही है कि हर यहूदी और ईसाई अपने फौत होने से पहले ईसा इस्लाम पे ईमान ले आता है कि ये नबी है यानि कि रब नहीं है ये नबी हैं यानी कि झूठे नहीं हैं ये नबी हैं यानी कि फिलहाल जिंदा है ये नबी हैं और इन्होंने जमीन पे नाजिल होना है इन बातों पे हर यहूदी ईसाई मान लिया था कब फौत होने से पहले पहले किसके फौत होने से पहले अपनी फौत होने से पहले तो इसका मतलब यह है कि कबल मौत ही मौती ही इससे मुराद क्या हुआ अपनी मौत यानी कि हर यहूदी ईसाई अपनी मौत से पहले ईमान ले आता है और जो पहली तस्वीर मैंने बयान की थी पहला कॉल बयान किया था उसका मतलब क्या था कि हर यहूदी ईसाई ईसा इस्लाम पर ईमान ले आता कबल मौती ईसा इस्लाम की मौत से पहले यानी कि जो उस जमाने में यहूदी ईसाई होंगे वो ईमान ले आएंगे और मुसलमान बन जाएंगे दूसरी ऐत सोरेमरान नंबर पैंतालीस और छियालीस फोर्टी फाइव और फोर्टी सिक्स अल्लाह तला फरमाते हैं इर्दिल मला इका जब कहा फरिश्तों ने याद करो उस वक़्त को जब कहा फरिश्तों ने या मरियम ए मरियम इन अल्लाह युबशरुक बश ब अल्लाह तला आपको खुशखबरी दे रहे हैं अपनी तरफ से एक कलिमा की यानी कि एक, एक ऐसे बच्चे की जो कलमा कुन से पैदा होगा बाप के बगैर पैदा होगा कुन हो जा क्या कहते हैं कुन हो जा यानी कि वो बच्चा सिर्फ कुन से पैदा होगा बगैर बाप के पैदा होगा इसमसीह ईसा बिन मरियम उसके नाम क्या होगा मसी मरियम फिर दुनिया वाल आखिरा दुनिया में भी वजाहत वाला होगा आहरत में भी वजाहत वाला होगा दुनिया में भी मुकाम वरतबे वाला होगा आखिरत में मुकामो मरत वाला होगा वह वमीन मुकर्रबीन और अल्लाह के मुकर बंदों में से होगा दो साफ जिक्र हो गए नंबर एक वजाहत नंबर दो अल्लाह के मकरब बंदे नंबर तीन वसफिल महदी व और वो लोगों से गुफ्तु करेगा कलाम करेगा फिर महदी गहवारे में मां की गोद में वह कहला और बड़ी उम्र में भी और देर उम्र में भी वह मेरे सालहीन और नेक लोगों में से होगा नेकोकारों में से होगा तो यहां पे अल्लाह रबुल इजत ने बताया है कि ईसा अलीलाम मां की गोद में होंगे तब भी गुफ्तु करेंगे और बड़ी उम्र में भी जाकर बड़ी उम्र में जाकर गुफ्तगु करेंगे इसमें इशारा है इस जानब कि वो जमीन पे दोबारा नाज़ल होंगे दोबारा आएंगे क्योंकि जब उन्हें जमीन से उठाया गया तब उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी तैंतीस साल उनकी उम्र थी कितनी उम्र थी तैंतीस साल तो ये जो लाल ने कहा है कि वो अधेर उम्र में गुफ्तु करेंगे बड़ी उम्र में गुफ्तु करेंगे यह पशीन गोई कब पूरी होगी जब दोबारा जमीन पर आएंगे तो इसमें भी इशारा है इस जानव कि उन्होंने जमीन पर आना है और लोगों से गुफ्तगु करनी है उधेड़ उम्र में तीसरे नंबर पे आयत नंबर सतावन से लेके इक्सठ तक फिफ्टी सेवन से लेके तक इन आयात में तस्करा हो रहा है ईसा आलिया इस्लाम का और इन आयात में से आखिरी आयत में अल्लाह कहते हैं इनके सिक्सटी वन में वह यकीन ईसा क्यामत की अलामत है क्यामत की निशानी है यानी कि किमत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक वो जमीन पे नाजल नहीं, हो। नहीं होंगे और जब नाजल हो जाएंगे इसका मतलब यह है कि क्यामत करीब है तो ईसार इस इस्लाम क्यामत की अलामत है फलातम तरुण न तुम इस क्यामत के वकूह के बारे में शक शुबा ना करो तो इन तीन आयात से और दीगर कई आयात से पता चलता है कि अली ईसीम दुनिया में तशरीफ लाएंगे नाजल होंगे तो इससे पता चला कि यह अकीदा नजूल ईसा इस्लाम का अकैदा सिर्फ अहादी से नहीं बल्कि कुरान से भी साबित होता मालूं है कुरान से भी मालूम होता है और जिन अहादीस से खीदा साबित होता है वो अखबार अहाद नहीं है बल्कि मुतवातर हैं जैसा कि बहुत से अमक नाम ने सराहत की है कुछ उलमाएक नाम ने इन हादीश को जमा किया तो इनकी तादाद अस्सी तक पहुंची है कहां तक पहुंची है अस्सी तक, असी तक। तो अगर अब भी ये मुतवातर नहीं है तो फिर मुतवातर किसको कहते हैं दूसरी गुजारिश यह है कि मुतवातर ना भी हो एक हदीस काफी है कोई भी मसला साबित करने के लिए कोई भी अकीदा साबित करने के लिए शरीयत, दीन अकायद मसाइल अहकाम इन के लिए कितनी दीशें काफी हैं? एक आदीस काफी है। नबी अलीस्म ने कभी ये नहीं कहा कि अकीदा तुम तब लेना जब तुम्हें मेरी तरफ से मुतवातर आदीस मिले ना ये शर्त साहब के नाम नहीं लगाई और मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूं कि आप देखें नबी अलीलात तो उसम पे अल्लाह का कलाम अल्लाह का दीन लाने वाले कौन है जबरील अलीस्म अकेले के दो उनके साथ आते थे अकेले अकेले। और दो भी आदे फिर भी वो खबरें वाहद ही रहेगी क्योंकि मुतवातर के लिए तो वो कहते हैं कि इतनी बड़ी तादाद होनी चाहिए इतनी बड़ी तादाद कि किसी किस्म के शको शुबा की गुंजाइश ना रहे और हम कहते हैं अकीदा शरीयत दीन साबत होता है कुरान से भी मुतवातर अदीस से भी और उन अदीस से भी जिन्हें ये लोग अहाद कहते हैं शर्त यह है कि उस हदीस को बयान करने वाले रावी आदल हों सच्चे हों उन पे झूठ बोलने की तहमत ना।, ना हो हदीस सबत हो जाए जब हदीस साबत हो गई तो उस पर ईमान लाना होगा चाहे उसे रवायत करने वाले दो सभी हो या तीन हो या चार हो या पांच हो या एक हो फिर नबी अलीस्म ने अल्लाह की तरफ से नाजर करदा दिन जब लोगों के सामने पेश किया तो क्या आपकी तईद और तस्दीक के लिए मजीद कोई अल्लाह की तरफ से लोग होते थे या फरिश्ते होते थे नहीं और आप ये देखिए कि ये इतराज कभी मक्का वालों ने किया कि हम आपकी बात तब मानेंगे जब आपकी तईद के लिए कुछ और रसूल भी आए आप अकेले रसूल हैं अकेले भी कैसे यकीन कर लें और फिर नबी अलीस्म जब आपने किसी कासत को भेजते तबलीग के लिए या गवंदर को भेजते कि तुम वहां पे जाके निजाम समालो उनको दीन भी सिखाओ दीन पे अमल भी करवाओ तो आप एक एक आदमी को बेचते आमतौर पर एक आदमी को बेचते दो को भी बेचे तो फिर भी मुतवातर नहीं है इनकी बात मान ली जाए तो चाहिए यह था कि अल्लाह के रसूल गवर्नर के साथ सत्तर अस्सी आदमी साथ और बेचते ताकि उनको यकीन आ जाए कि क्या आदीस है मुतवातर है जो पैगाम ये गवर्नर लेकर आया वाकई अल्लाह के रसूल ने दिया है ईद के लिए साथ साठ सत्तर आदमी और होते लेकिन एक ही आदमी जाता और वो लोग यकीन करते अब उन अहादीस में से फिलहाल एक हदीस आपके सामने रखने लगा हूं कुरान की याद में पेश कर चुका अब एक वाद आदिश आपके सामने रखने लगा हूं इस हदीस को इमाम बुखारी ने रिवायत किया और बुखारी श्री में इसका नंबर है तीन हजार चार सौ अड़तालीस थ्री फोर फोर एट और मुस्लिम श्रीफ में इसका नंबर है एक सौ पचपन वन फाइव फाइव हदीस के रावी सहाबे के नाम में से जनाब जनाबरा रदी अल्लाह तहते हैं कि फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वल्लि नफसी बी उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है लयू शिकन्ना बन मरियम हाका मन आदला यकीन वक़्त करीब है यकीन वक्त आने वाला है जब तुम मे मरियम के बेटे ईसा नाजल होंगे किस असीयत से हाका मन बतौर हुक्मरान पे गौर से सुने ये नहीं कहा गया बतौरे नबी क्या कहा गया बतौरे हुक्मरान हक हकाम आदलन अदलो इंसाफ करने वाले हुक्मरान के तौर पे वो नाजिल होंगे तशरीफ लाएंगे इसका मतलब ये है कि उनकी आमद बतौर नबी नहीं होगी बल्कि नबी अली सलाम की शरीयत पे वो अमल करेंगे और करवाएंगे ये बात जान लेना इस लिहाज से भी जरूरी है कि मिर्जा गुलाम कादियानी कहा करता था एक तरफ तुम अकीदा रखते हो कि मोहम्मद के बाद कोई नबी नहीं आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक तरफ तर कहते हो कि ईसा इस्लाम जिंदा और आएंगे तो ये तुम्हारे अकीदे में क्या है तजाद है और वो कहा करता दुरुस्त अकीदा मेरा है कि ईसा आल इस्लाम फौत हो चुके जहां तक तल्लु क्या आदीस का जिनमें तस्कर आया कि मसीह आएंगे तो उसने मुराद मैं हूं मैं मसीह हूं तो हम क्या कहते हैं कि ईसा आलिम बतौरे नबी नहीं आएंगे कि यह कहा जा सके कि नबी अम के बाद ईसा इस्लाम आ रहे हैं तो खातमुल खातमबी ना हुए बल्कि अब ईसा इस्लाम की आमद बतौर उम्मीद होगी बतौरे उमती होगी फिर सलीब और वो सलीब को तोड़ेंगे तोड़ डालेंगे व ख़ंज़ीर और खंजीर को कत्ल कर। करेंगे ज़िज़िया और जिजिया खत्म कर देंगे मौकूफ कर देंगे क्या मतलब है इसका चूंकि वो जिहाद करेंगे और लोग जो हैं जो जिंदा बच जाएंगे सारे के सारे ईमान ले आएंगे दीन इस्लाम कबूल कर लेंगे इसलिए शरीफ को तोड़ दिया जाएगा और जिजिया खत्म हो जाएगा क्योंकि वो यहूदी ईसाई रहेंगे नहीं जिनसे जिजिया लिया जाए जिजिया किसको कहते हैं उस टैक्स को जो कौन लिया करते थे मुसलमान से काफलों से गैर मुसलमों से कौन से गैर मुसलमों से जो गैर मुस्लिम मुसलमानों की सरजमीन पर रहते थे जो गैर मुस्लिम ये कहते कि हमने इराक फतह होने के बाद भी इराक में रहना है हमें रहने दो ठीक है इराक तुमने फतह कर लिया तुम्हारा हो गया लेकिन हमें रहने दो तो मुसलमान कहते थे फिर तुम्हें टैक्स देना होगा जिजिया देना होगा और तुम्हारी हिफाजत हम करेंगे तुम्हें कोई तंग नहीं कर सकेगा तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकेगा मामूली सा टैक्स होता था लेकिन जब ईसार इस्लाम आएंगे तो शरीफ को तोड़ डालेंगे खंजीर को कत्ल करेंगे और जजिए को मौकूफ कर देंगे खत्म कर देंगे व यफी माल और माल आम हो जाएगा बहने लगेगा को लेने वाला नहीं होगा हताकबल अहद यहां तक कि उसे कबूल करने वाला कोई नहीं होगा ये सारी हदीस बयान करने के बाद अबू रेहरा कहा करते थे कि अगर तुम चाहो तो इस मामले में यह ऐत पढ़ सकते हो सूर निसा की सौ उनसठ वह किताबी नबी कबल मोती कि हर यहूदी और ईसाई जनाब ईसा इस्लाम पे ईमान ले आएगा उनके फौत होने से पहले क्या फरमाते इमाम भर बहारी वाल ईमान बे ईसा यही मरियम अलैहिस्सलाम, जनाब ईसा जो के मरियम के बेटे हैं अलैहिस्सलाम, यानी कि ईसा पे सलामती तीन हो तो जनाब ईसा जो के मरियम के बेटे हैं अलैहिस्सलाम, उनके नजूल पे, उनके उतरने पे ईमान लाना होगा तो ये मुसलमानों का बुनियादी अकीदा हुआ फरमाते हैं वो उतरेंगे फल दज्जाल तो दज्जाल को कत्ल करेंगे वो ए तजवद और शादी करेंगे यहां पे एक सवाल ये है कि वो कब उतरेंगे और कहा उतरेंगे कब उतरेंगे और कहा उतरेंगे ईसा तो आई इस्लाम दज्जाल के दिनों में नाजिल होंगे यानी कि जिन दिनों दज्जाल का फितना आम हो चुका होगा दज्जाल जाहिर हो चुका होगा उन्हीं दिनों ईसा आल इस्लाम नाजिल होंगे फजर की नमाज का वक्त होगा और ईसा इस्लाम यह नमाज इमाम मेहदी के पीछे अदा करेंगे जहां तक ताल्लुक है इस सवाल का कि कहां पे वह नाजिल होंगे तो इस बारे में आने वाली रिवायात इस बात पे मुतफिक हैं कि वो शाम में नाजल होंगे अब शाम में कहां नाजल होंगे शाम के शहर दिमश में ईसा इस्लाम दिमश में नाजल होंगे दजाल को कतल करेंगे इस बारे में दलील क्या है ये हदीस में आपके सामने रखना चाहूंगा कुछ तवील है लेकिन ईसा आल इस्लाम से इस रवायत का गहरा ताल्लुक है मुस्लिम श्रीफ की यह हदीस है इस हदीस को रवायत करने वाले साहबी कौन है नवास बिन समान किलाबी वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुबह तस्करा किया दज्जाल का तो आपने दज्जाल का तस्करा करते हुए कभी अपनी आवाज को बुलंद किया और कभी अपनी आवाज को पस्त रखा आपका अंदाज ऐसा था कि हमें यूं लगे कि जैसे दज्जाल मस्जिद से बाहर खजूरों के किसी बाग में मौजूद हो आपकी गुफ्तगु सुन के हम अपने घरों को चले गए जब शाम को वापस आए तो आराफा दाली का फीना तो आपने हमारे चेहरे देख कर पहचान लिया कि हम कितने इस इस कितने परेशान हैं कितने खौफजदा हैं तो आपने कहा माशान हुकुम तुम्हें क्या हुआ है हमने कहा अल्लाह के रसूल अलीलाम जकर तजाल फीहर आपने सुबह दज्जाल का तस्करा किया और इस दौरान आपकी आवाज कभी पस् हो रही थी कभी बुलंद हो रही थी हती कि हम यूं समझने लगे कि जैसे दज्जाल मस्जिद के बाहर किसी करीबी खजूरों के बाग के झुंड में मौजूद हो खजूरों के दरख्तों के झुंड में मौजूद हो आपने कहा गैर उद्जाली अख वफू नी आई तुम्हारे बारे में दज्जाल के अलावा कई लोगों का खतरा दज्जाल से बढ़कर है यानी कि ऐसे लोग आएंगे जो जहन्नम की तरफ बुलाने वाले होंगे तुम उनके फितरे में मुबतला हो जाओगे मुझे ये ज्यादा खतरा है फिर आपने कहा इन व नफी कुम दज्जाल अगर मेरी जिंदगी में जाहिर हुआ फीज हो तो मैं उसका मुकाबला करूंगा दू न कुम तुम्हें मुकाबला नहीं करना पड़ेगा व इन यखरुज वी कुम फमर उन हजीज उन नफसी और अगर जाल जहर हुआ और मैं तुम्हें मौजूद ना हुआ तो हर आदमी अपना दिफा खुद करेगा वल्ला खलीफती अलाकुल्ली मुस्लिम और अल्लाह मेरा खलीफा होगा हर मुसलमान के लिए फिर आपने कहा इन नहुश उन कैसा होगा नौजवान कत कुंगलियाले बालों वाला उसकी आंख बेनूर होगी आपने फरमाया कि मैं ये समझता हूं कि वह अब्दुल बिन कतन के मुशाबे होगा उसकी शक्ल अब्दुलजा बिन कतन से मिलती जुलती होगी एक आदमी का नाम लिया आपने फरमाया फमन अदर कहू मिन कुम जो तुम में से उसे पा ले फल यकलाफ तो वो उसके सामने सुरह काफ की पहली आयतें पड़े इससे पता चला सूर्य काफ की क्या अहमियत है इन खारदान रा वो शाम और राख के बीच में एक रास्ते से जहिर होगा यानी कि आगाज उसका कहां से होगा खुरासान से असबहान से लेकिन चलते चलते इस इलाके में पहुंचेगा और यहां पे भी उसका जहर होगा फात यमीन वाथ है शिमाल दाए बाएं खूब फसाद मचाएगा या इबाद अल्लाह के बंदो साफ कदम रहना ईमान पे पक्के रहना इस्लाम पे पक्के रहना कुल ना हमने कहा या रसूल अल्लाह अल्लाह के रसूल लुप्त हु फिल अर्द वो जमीन में कितना अरसा रहेगा आपने कहा अरबाउन यउमन कितने दिन रहेगा चालीस, चालीस दिन उसका पहला एक दिन उसका एक साल कितना होगा एक दिन एक साल, एक साल कितना होगा और एक दिन एक महीने कितना होगा बाकी कितने रहेगा अड़तीस चालीस दिनों में से उसका एक दिन एक साल की तरह एक और एक दिन एक महीने की तरह और एक दिन एक हफ्ते की तरह कितने रह गया बाकी सैंतीस फरमाया दीगर अयाम आम अयाम की तरह होंगे हमने कहा अल्लाह के रसूल ये दिन जो एक साल की तरह होगा क्या उसमें एक दिन की पांच दिन हमारे लिए काफी हो जाएंगी क्योंकि दिन तो एक ही होगा ना तो आपने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं। कदरा नमाजों के वक्त का अंदाजा कर लेना इसका मतलब है कि नमाजें एक साल की नमाजों के बराबर पड़ी जाएंगी एक दिन की नमाजों के बराबर नहीं बल्कि एक साल की, पर... की नमाजों के बराबर पड़ी जाएंगी हमने कहा अल्लाह के रसूल वो जमीन में कितनी रफ्तार से चक्कर लगाएगा आपने कहा वो ऐसे बादल की तरह होगा जिसके पीछे हवा लगी हो जिसको हवा धकेल रही हो फरमाया वो एक कौम के पास आएगा उनको दावत देगा दावत किस चीज की मेरे ऊपर ईमान लाओ फैमू न तो उस पर ईमान ले आएंगे वैसबू नहु फैमर फतम तिर चुनाचे वो आसमान को हुक्म देगा आसमान बार बरसाएगा ये देखे उसका फितना और जमीन को कम देगा फतुम भी तो जमीन फसल उगाएगी फतरू अली हमसार यह तो ऐसे इन लोगों के पास जो उसके ऊपर ईमान ला चुकी हैं, ऐसे लोगों के पास उनके जानवर शाम को आएंगे तो उनके कुहान लंबे लंबे होंगे और उनके थन भरे हुए होंगे और उनकी कुखे फैली हुई होंगी ये भी क्या है का जजाव क्या फना कौमा फिर वो एक कौम के पास आएगा फैद ऊ हम उनको दावत देगा फैलुद्दन आलि कौलहू तो उसकी बात को मानने से इनकार कर देंगे वो उसकी बात नहीं, नहीं, नहीं। मानेंगे फैन शारीफान हम तो वो मायूस होकर उनसे वापस चला जाएगा तो वो पीछे से क्या हो जाएंगे फकीर कहत जदा लई सभी उमिन उनके हाथों में उनके माल में से कुछ नहीं रहेगा दज्जाल पे ईमान नहीं लाए तो नतीजा क्या निकला महरूमी किस से माल से तो इसे पता चला कि कभी माल का बहुत ज्यादा आना फितना होता है कभी माल से महरूमी भी फितना है कि माल से महरूम हो गया दीन की वजह से आपने सूदी मुलाजमत छोड़ दी और अब आपको जो जॉब मिली है वो तो तनखा बहुत कम है तो ये भी आपका इम्तिहान है कि आप कदम दीन पे रहते हैं या ये सोचते हैं कि जी मैं दीन पे अमल भी करूंगा लेकिन मुझे तनखा ज्यादा मिलनी चाहिए फिर वो दज्जाल गुजरेगा किसी बंजर जमीन से तो उस बंजर जमीन से कहेगा अपने खजाने बाहर निकालो चुनाते जमीन से खजाने निकल के उसके पीछे चल पड़ेंगे जैसे शहर की मखियां होती हैं यह क्या है दजाल के फितने ये हदीस नवास बिन समान और इसका मैंने इब्तदाई हिसाब के सामने रखा है जिसमें अभी तक ईसार इस्लाम का तस्करा नहीं आया और अब आने वाला है सुमयतन मुमतर शबाबन फिर वो एक आदमी को बुलाएगा जो नौजवान होगा और गोश्त के लिहाज से भरपूर होगा यह कि जिसम उसका भरपूर होगा फैद रिबू बिस्ईफ़ी वो उसको तलवार से तलवार मारेगा तलवार का उस पर वार करेगा फू जजीला ती तो उस आदमी को दो हिस्सों में तकसीम कर देगा रमयरा दी और दो हिस्से दूर दूर कर देगा जो ता जो ता। जितना जब आप तीर फेंकें तो फासला आपके तीर के दरमियान होता है इतना फासला उस आदमी के जिसम के दो टुकड़ों में पैदा कर देगा फिर उस मुर्दा को बुलाएगा तो वो जिंदा होकर आएगा और चमक दमक रहा होगा चेहरे पे रौनक होगी और हंस रहा होगा यही सूरत हाल होगी फबई नमा हुआ कदाली का दजाल इसी हाल पे होगा इद बाहल मसीह मरियम तब अल्लाह तला मसीह बिन मरियम को भेजेंगे ईसा फैन तो वो उतरेंगे हमारा मौजूद क्या है ईसाई इस्लाम का उतरना नजूल तो ये आ गया देखें वो उतरेंगे इंदल मनारत अलबा जगह कौन सी जगह के मशर की हिस्से में सफेद मीनार के पास के मच्रिकी से। मच्रिकी हिसे में के में सफेद मीनार पास फरमाएंगे, महरूद दो चादरें उन्होंने पहनी होंगी और दोनों जर्द की स... जर्द होंगी। जब उतरेंगे तो अपनी दोनों हथेलियां दो फरिश्तों के परों पे रखे हुए होंगे जब अपने सर को झुकाएंगे तो सर से पानी के कतरे टपकेंगे और जब सर को उठाएंगे तब भी सर से मोतियों जैसे कतरे गिरेंगे फिर वक्त आएगा ये होगा कि जो भी काफर उनकी खुशबू पाएगा वो मर जाएगा किन की खुशबू ईसाई इस्लाम की इनकी ईसा इस्लाम की महक जो भी काफर पाएगा वो मर जाएगा और ईसाई इस्लाम का सांस वहां वहां पहुंच रहा होगा जहां जहां तक उनकी निगाह पहुंच रही होगी फिर ईसाई इस्लाम उसका ताकब करेंगे किसका दज्जाल का ये भी हमारा मौदू है ना आज हत्यायुद्री का हो यहां तक कि वो दज्जाल को पा लेंगे लुध शहर के दरवाजे पे लुद शहर के दरवाजे पे।, पे ये बैतुल मुकदस के करीब एक शहर होगा फयू चुनाचे ईसाई इस्लाम उसको कतल करेंगे किसको को दज्जाल को सुमयाती सुमयातीसब न मरियम फिर ईसा बिन मरियम अम के पास एक कौम आएगी और ये वो लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला ने दज्जाल के फितने से मफूद रखा होगा ईसा उनके चेहरे साफ करेंगे उनके चेहरों पे हाथ फेरेंगे वर्दी दरजाति फिर जलना और उन्हें बताएंगे कि जन्नत में उनका क्या मुकामो मरतबा होगा फबई नमा हुआ कदाली का जब ईसा इस्लाम इसी हालत पे होंगे तब अल्लाह तला ईसा इस्लाम की तरफ वही करेगा क्या वही होगी इन अखलत इबाद अली मैंने अपने कई बंदों को निकाल दिया है इशारा किन की तरफ है याजूज मजूद की तरफ मैंने अपने कई बंदों को निकाल दिया है वो वो लोग हैं जिनसे लड़ने की किसी इंसान में ताकत नहीं, नहीं है तो इसलिए आप मेरे बंदों को यानी कि ईमान वालों को तूर पहाड़ की तरफ ले जाएं, और फिर अल्लाह तला याजूज माजूज को क्या कर देंगे उनको भेज देंगे याजूज माजूज निकल आएंगे और वो हर ऊंची जगह से भागते हुए आ रहे होंगे याजूज माजूज का जो पहला ग्रुप होगा वो तबरी झील के पास से गुजरेगा और ये वही झील है जिसका तस्करा किसने किया था दाल ने पिछले दरस में आपने दजाल वाली दीस नहीं सुनी तो इनका जो पहला मजमुआ होगा याजूज माजूज का वो इस बड़ी झील से गुजरेंगे और इस झील का मीठा पानी होता है फू नमाफीहा वो पहला ग्रुप उसका सारा पानी पी लेगा और जब आखिरी लोग गुजरेंगे तो वो कहेंगे कि लगता है कि यहां पे कभी पानी हुआ करता था लगता है कि यहां पे कभी पानी हुआ करता था अल्लाह के नबी जिनाब ईसा इस्लाम और उनके साथी महसूर हो जाएंगे याजूज माजूज की वजह से एक साइड पे चले गए वहां महसूर हो जाएंगे और उन दिनों हालात ऐसे हो जाएंगे कि उन लोगों के लिए बैल का सर सौ दिनार से ज्यादा कीमती और बेहतर होगा तब अल्लाह के नबी ईसा इस्लाम और उनके साथी अल्लाह तला की तरफ तवज्जो करेंगे अल्लाह के सामने गिरगड़ाएंगे, अल्लाह से दुआई करेंगे तो अल्लाह याजूज माजूज पे अजाब भेजेंगे किसका कीड़े का ये कीड़े कहां पैदा होंगे उनकी गर्दन में चुनाचे वो क्या हो जाएंगे वो मर जाएंगे और ऐसे मरेंगे जैसे एक आदमी मरता है कि सारे मर जाएंगे फिर अल्लाह के नबी ईसा आलाम और उनके साथी उतर कर जमीन पर आएंगे कहां से उतर कर तूर पहाड़ से तो उन्हें जमीन में एक बारिश के बराबर भी जगह नहीं मिलेगी जो याजूज माजूद की गंगी से खाली हो और उनकी बदबू से खाली हो दोबारा अल्लाह के नबी ईसा इस्लाम इस उनके साथ ही अल्लाह ताला की तरफ रजू करेंगे दुआएं करेंगे तो अल्लाह ताला परिंदे भेजेंगे जो बुख़ती ऊंटों की गर्दनों की तरह के होंगे चुनाचे ये परिंदे याजूज माजूज की लाशों को उठाएंगे और वहां ले जाएंगे जहां अल्लाह चाहेगा तो ये सूरत हाल होगी ईसा आली असलात इस्लाम की और ये कुछ हालात हैं जो ईसा इस्लाम के इस हदीस में आए हैं हदीस मज़ीद बाकी है लेकिन यहीं पर इतफा करते हैं क्योंकि हमारा मौदू कौन है ईसा इस्लाम हदीस का नंबर दो हज़ार नौ सौ सैंतीस टू नाइन थ्री सेवन मुसन शरीफ तो इमाम बरभारी क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि यंजल ईसा इस्लाम नजूल फरमाएंगे फ्तुलदजाल तो दज्जाल को कत्ल करेंगे वह एज और क्या करेंगे शादी करेंगे। शादी भी करेंगे जहां तक तल्लु है ईसा इस्लाम की शादी का तो इस बारे में कोई भी ऐसी हदीस नहीं है जो सही फरन से साबित हो इसलिए शादी के तल्लक से हम खामोशी अख्तियार करेंगे हमें इसकी कोई वाद दलील नहीं मिल सकी कि कोई ऐसी हदीस हो जिसमें आया हो कि वो शादी करेंगे तो हम ना इनकार करते हैं और ना इस बात वह युसली और वुमात पढ़ेंगे खल फल कामिन आली मोहम्मद आले मोहम्मद में से आले मोहम्मद मुराद कौन नबी अलीस्म की औलाद आपके आले बैद और मुराद मुरादे यहां पे इमाम बहदी तो ईसाई इस्लाम नमाज पढ़ेंगे आले मोहम्मद में से उस शख्स के पीछे जो उम्मत मोहम्मद के उमूर की निगरानी कर रहा होगा जो उम्मत मोहम्मद का जिम्मेदार होगा इस बारे में एक हदीस आपके सामने रखना चाहूंगा इस अदीज के रावी हैं जिनाब जाबर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह और ये मुसम शिफ की नंबर है एक सौ छप्पन वन फाइव सिक्स फरमाया नबी अली अलीलाम ने मेरी उम्मत का एक गरोह हक पे रहेगा और हक पे रह के किताल करता रहेगा लड़ाई करता रहेगा और मेरी उम्मत का एक ग्ररोह हक पे क्या मत तक रहेगा आप फरमाते हैं उसी हदीस में कि जनाब ईसा जो कि मरियम के बेटे हैं वो जब उतरेंगे नजूल फरमाएंगे तो मुसलमानों का अमीर कहेगा मुसलमानों के उस ग्रोह का अमीर कहेगा जो हक पे होंगे तला कि आप आए आगे बढ़े और हमें क्या करें सली लेना हमें नमाज पढ़ाए तो ईसा इस इस्लाम कहेंगे ला नहीं इन नबाद कुमार बात उमरा तुम ही में से ही कोई ना कोई दूसरों पे क्या होगा अमीर होगा और ये अल्लाह ताला की तरफ से इस उम्मत के लिए एजाज होगा तो इस अदीज की तरफ इशारा कर रहे हैं इमाम पर जब वो ये कह रहे हैं कि ईसा इस्लाम नमाज पढ़ेंगे उस शख्स के पीछे जो आले मोहम्मद में से आले बैत में से उमत मोहम्मद के उमूर का निगरान होगा जिम्मेदार होगा उसके बाद वही अमू तो और वो फोत हो जाएंगे कौन ईसार ईसार इस्लाम व यकफुलहू अल मुस्लिम और उनको दफन कौन करेंगे मुसलमान तो यहां पे एक हदीस आपके सामने रखना चाहूंगा जिस हदीस का ताल्लुक है इन मसाइल से जिनका तस्करा इमाम बरबहारी ने इस मसले के आखिर में किया है कि वो फौत होंगे और मुसलमान जो हैं उनको दफन करेंगे उनकी नमाज इनादा अदा करेंगे हदीस अबू अबूद शरीफ की है और इसका नंबर है चार आधार तीन सौ चौबीस फोर थ्री टू फोर उस हदीस में आफरमाते हैं लई सबई नी वही नहू यानी ईसा इस्लाम नबीन मेरे दरमियान और ईसा इस्लाम के माबेन कोई नबी नहीं है व इन नहु नाजर और बेशक ईसा आल इस्लाम नजूल फरमाने वाले हैं जमीन पर उतरने वाले हैं फा फारिफू जब उन्हें देखो देखना तो उन्हें पहचान लेना क्या पहचान है उनकी फरमाया राजमरबूरतीबयाब वो मियाना कद के आदमी होंगे रंग उनका सुर्ख और सफेद होगा और दो जर्द रंग की चादरें पहने हुए होंगे का अन्ना हु सर ऐसे होगा जैसे पानी के कतरे गिर रहे हों अगरचे उनके सर पे कोई तरी ना हो फिर भी सारा ऐसे ही होगा वो लोगों से किताल करेंगे इस्लाम के लिए लोगों से लड़ेंगे किसके लिए इस्लाम के लिए, इस्लाम के लिए इस्लाम के दिफा के लिए इस्लाम को नाफज करने के लिए इस्लाम को गालब करने के लिए सलीब सलीब को तोड़ डालेंगे वक्तुलंजीर और खंजीर को कत्ल कर देंगे और जजिये को मौकूफ़ कर देंगे إِلَّا अल्लाह उनके जमाने में तमाम अदियान का खात्मा कर देंगे सवाय दीन इस्लाम के दीन इस्लाम रह जाएगा यह उदियत खत्म ईसाइत खत्म इसीलिए जिजिया खत्म शरीफ खतम वही योहल मसीह नसीह दाल और वो मसीद को हलाक करेंगे उसे कत्ल करेंगे लो जी इस अदीज से भी मसला साबित हो गया कि मसीद को कत्ल करने वाले कौन होंगे इस्लाम फैम कुी सना वो जमीन पे कितने साल रहेंगे चालीस साल सुम तो फिर वो क्या चा हो जाएंगे फौत हो जाएंगे फयूसली मुस्लिम तो मुसलमान उनकी नमाज जनादा अदा करेंगे तो लो जी इस अदीज से मसला साबित हो गया जो तो इमाम पर ने बयान किया है एक तो यह कि फौत हो जाएंगे और दूसरा यह कि मुसलमान उनकी निमादी आजादा करेंगे इस मौजू के आखिर में सवाल यह है कि वह दफन कहां पर होंगे मुसलमान दफन करेंगे दफन कहां पर होंगे सुन, सुन रखा आप लोगों ने पब्लिक में क्या मशहूर है नबी अली तो सलाम के साथ दफन होंगे तो आइए आपके सामने दो रवायतें रखता हूं पहली रवायत इमदी शरीफ की है तीन हजार छह सौ सत्रह थ्री सिक्स वन सेवन जनाब अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं के तौरात में लिखा लिखी हुई है तो रात में नबी अली अलीसलाम का वसफ और जनाब इस्लाम इसा का वसफ लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है कि ईसा सलाम नबी अली अलीस्म के साथ दफन होंगे ये कहा लिखा हुआ है तो रात में कौन कह रहे हैं अब्दुल्ला बिन सलाम अब्दुल्ला बिन सलाम कौन से पहले यहूदी यहूदियों के बड़े आर्मी दिन यहु� इस रवायत के रावी अबू मदूद मदनी कहते हैं के घर में एक कब्र की जगह मौजूद है अलशा के घर में एक कब्र की जगह मौजूद है।, है इस रवायत को शेख अलबानी राहुल ने जईफ करार दिया है यह इस काबिल नहीं है कि इसके ऊपर इस मसले में इतमार किया जा सके क्योंकि साबत नहीं है दूसरी रवायत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रवैत करते हैं कि फरमाया नबी अली सात ने कि ईसा बिन मरियम ईसा जो कि बेटे हैं किसके मरियम के ये ज़मीन नजूल फरमाएंगे फैत तो वह शादी करेंगे वयूल और उनकी औलाद भी पैदा होगी वयम कुतुमरबाइन सना और जमीन पे कितने साल रहेंगे चालीस तालीस साल सुम ये मुंह तो फिर फोत हो जाएंगे तो उन्हें दफन किया जाएगा मेरे साथ मेरी कबर में ये कबर भी कबर भी एक होगी कबर भी क्या होगी एक होगी हो यही पता चला तो फरमाया मैं और ईसा अरे इस्लाम एक ही कबर से निकलेंगे और हम अबू बकर और उमर के दरमियान में होंगे अबू बकर वमर रदीमा के दरमियान से मैं और ईसा इस्लाम एक ही कब्र से निकलेंगे इसको इमाम इबन अभी दुनिया ने रवायत किया है और हदीस ने इस रवैत को इंतहाई ज़ैफ़ नकाबले एतबार और नकाबले अतमाद करार दिया है इमाम दहाबी नि मिज़ाम में फरमाते हैं कि यह मुनकर किस्म की रिवायत है शेख हल्बानी राह ने भी इसको जयीफ करार दिया है और मुनकर करार दिया है अपनी किताब अज़ीफा में गिर कि वो किताब जिसमें उन्होंने ज़यीफ रवायात और मनगर्त रवायात जमा की हैं उसमें इसको भी दर्ज किया है और वहां पर इसका नंबर है छः सौ छप्पन छह सौ छप्पन सिक्स फाइव सिक्स ईसा इस्लाम जब नाजल होंगे तो वो क्या क्या आमाल सर अंजाम देंगे नंबर एक द्जाल का पीछा करेंगे और उसे कत्ल करेंगे नंबर दो यहूदियों का खात्मा करेंगे नंबर तीन हज करेंगे और मस्जिद नबी की ज्यादत करेंगे नंबर चार इस्लामी शरीयत के मुताबिक हुकूमत करेंगे नंबर पांच जमीन में कामयाबी से अमनो अमान कायम करेंगे और उनके जमाने में बड़ी बरकतें जाहिर होंगी तो ये है हमारा मौजू जिसका ताल्लुक है ईसा आलाम से मैं आखिर में फिर तर्जमा कर देता हूं इस मसले का कि वाल ईमान बन ई सब मरियम आलाम और ईमान लाना होगा जनाब ईसा जो के मरियम के बेटे हैं सलाम के नजूल पे उतरने पे कहां से उतरेंगे आसमानों से यंजिल वो उतरेंगे वह दज्जाल तो दज्जाल को कतल करेंगे और शादी करेंगे वह मिन का मुहम्मद और नमाज अदा करेंगे उस शख्स के पीछे जो उम्मत के उमूर का जिम्मेदार होगा आले मोहम्मद में से आले बहत में से वह यमू तू और फोत हो जाएंगे वद्फन और मुसलिमून और मुसलमान उनको दफन करेंगे तो ये सारे मसाइल जो इमाम बल बहारी ने जिक्र किए हैं ये सारे अक़ायद ईसा इस्लाम के तलुक़ से सबत हैं सवाए शादी के मसले के तो ये साबित नहीं हो सका कि वो शादी करेंगे और ये जो उनकी औलाद का तस्करा आया तो वह भी ज़यीफ़ रवायत में आया है वो भी रवायत ऐसी नहीं है कि जिसमें जिसपे इतमाद किया जा सके और आखिर में ये कि शेख अल्बानी राइमान ने मसीह अजाल और ईसा इस्लाम के नजूल पे मुस्तिल किताब लिखी है और उस इस किताब में बहुत सी अहदीस को उन्होंने जमा किया है अगर किसी को किताब मिल जाए तो इंतहाई मुफ़ी है अल्लाह रबुल्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताली हमें तमाम इस्लामी अकायद पर और नबी अलीसल्लाम की अहदीस पे ईमान लाले की तोफ़ी बख्शे अल्लाह ते हर तरह के फ़ितों से मफूद रखे कादियानियत का फितना, इनकार हदीस का फितना और इस किस्म के दीगर जितने भी फितने हैं अल्लाह हमें उनसे बचाए रखे इन कल के दरस में कल मुलाकात होगी वसल तबीना मोहम्मद वाल ही वसाब अजमाइन